हो रहा है सुबह के सुबह समा साढ़े तीन बजे हम निकले थे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सीन ये है कि आज हम जा रहे हैं नैनीताल। टाइम हो रहा है सुबह के 3:30 एंड वी आर ऑल सेट टू गो। सामान पूरे पैक्ड हो गए हैं एंड वी आर फाइनली गोइंग टू नैनीताल। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार हो रहा है। देखो पूरा इंटेंशन यही है कि जो अगला मिलेगा उस पर रोक देंगे। तू कब तक कंट्रोल करे यार। नहीं रितिका, अब मिल जाएगा पक्का। मैं समझ गया मैं कहाँ पे हूँ। ये ऐसी बोल रहा है। अरे खाने की बात नहीं आती ना, अभी बस 10 मिनट में ढाबा आ जाएगा, वो आता 2 घंटे बाद। बस यही तो स्ट्रेटजी है, जो समझ नहीं पता। जी रहा। देख रहा हाई बीम पे दिखने भी लग गया। अबे आगे वो तो रहा, उल्लू बना रहे हैं दोनों मिल गया। सब समझ जाते हैं अब। फिर से चढ़ गए हम लोग फ्लाई ओवर। अरे एक सेकंड बोल रहा है आगे लेफ्ट साइड में एचपी पेट्रोल पंप है, लेकिन वो क्लोज दिखा रहा है। उसके आगे आईजीएल है, वो भी क्लोज दिखा रहा है। पेट्रोल पंप बंद किया तो कुछ है, रो कोड है उसके सामने। लेडीज बंद है आई थिंक। हाय, क्या बनाई है? ये हम चार। अच्छा, ये मोटे मुंह वाले तो मोटे मुंह वाले में, ये दो बाल वाली लड़कियां हैं। ये रवि सुबह सुबह शिवा ढाबा और चाय। कितनी बार बोलेगी? तेरा हो गई। साला हिल स्टेशन जा रहा है आदमी और जमीन में खड़ा होकर के ये बोल रहा है वो ठंड है। हट कहाँ है? नैनीताल अब यहाँ से 206 किलोमीटर है। एज पर गूगल मैप हम 10:30 बजे पहुँचने वाले हैं। नहीं अच्छा सनराइज दिखेगा अभी ये देख रहे हैं, थोड़ा सा एकदम प्यारा सा कलर हो रहा है। लॉट ऑफ फॉग एंड स्मॉग बट दिख रहा है मेरे को, इट्स रियली रियली प्रीटी। रामपुर, ये तीसरा टोल है। तीसरी बार लेंच चीज नहीं, बट ये चीज है कि रोड्स अच्छे हैं। हर पता है क्या, देख के लग रहा है कि ठंड होगी, बट लेकिन कंस्ट्रक्शन देख रहा है इस हिसाब से, जैसे अभी देहरादून का किया है ना, ये रास्ता भी बहुत जबरदस्त बनने वाला है। ब्यूटीफुल,
हाँ, तब से मैंने सोचा कि लगता हुआ ही नहीं। मस्त मस्त, थोड़ा पास जाएंगे तो ज्यादा दिखेगा क्या? ओहो, चुप गया। आएगा फेरी टेल वाला जो है ना, ऊपर एकदम मस्त जैसे बादल हो रखा हो, दूसरे साइड ये प्यारा लग रहा है, एकदम ऑरेंज है ना। दो सौ किलोमीटर कवर्ड अप, ETA भी 10:20 का है क्योंकि अभी हमने कोई ब्रेक नहीं लिया है। साला चौथा टोल आ गया, वही तो मैं बोल रहा था, 125 रुपए का। अबे इतना कौन टोल वसूलता है भाई? और बता, 9 किलोमीटर के बाद इस रास्ते से बैठ जाएंगे हम। ये सीधा रास्ता वो बरेली को चला जाता है और ये नहीं, अच्छा यही वाला कट था, मैं पहले गलती बता रहा था। Continue on National Highway 9 for 4 kilometers. पांचवा है ना? साढ़े तीन बजे हम निकले थे और ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं। ये पहला स्टॉप हमने, हाँ एक जगह और पहले भी चाय के लिए रुके थे, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत स्नैक्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट टाइप। कंफ्यूज्ड है वो, पूरा ही कंफ्यूज्ड है, कहाँ जाना lost, है lost. लेफ्ट 300 किलोमीटर कंप्लीटेड। क्या लेके जाएंगे तूने, क्या बोला? अरे अगर बजाना है तो डाउनलोडेड में। अरे चचा 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 किसके चचा? चचा अभी चचा ना गए थे। चचा ने गाड़ी बंद करवा दिया यार। ये क्यों है, अंडर कंस्ट्रक्ट है क्या? इधर बनाते हैं उधर नहीं बनाते। चलो भाई चलो। भीमताल सो दिस इज आवर रूम, स्मॉल कॉम्पैक्ट बट क्यूट। एंड दिस इज द लेक व्यू। अंदर मत।
और यहाँ बन रही है हमारी मैगी। चप्पू मार, वेरी गुड। मारते रहे, रुकना नहीं है। हाँ बिल्कुल, काफी परफेक्ट टाइमिंग था। 3:30 बजे हम निकले हैं और अप्रोक्सीमेटली 11:30 बजे वी वेर इन नौकुचियाताल। नैनीताल नहीं गए थे बिकॉज नैनीताल जाने का प्रोग्राम कल है, हमारा स्टे यहीं पे है। नौकुचियाताल में स्टे करने का रीज़न ये था कि ये थोड़ा सा कम क्राउडेड है, हाँ पीसफुल है, और सारे के सारे ज़्यादा हो गया अब लेफ्ट मार तो, और सारे के सारे वाटर स्पोर्ट्स नहीं, वाटर एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप, और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।